वैसे हैं, कभी हम इस दुनिया से भी होंगे ज्यादा ताकतवर बन। प्लीज गाना बदल देंगे। गाना खत्म होने दो बेटा, जब तुम गाड़ी चलाने लगोगी तब जो चाहे गाना सुन। मैंने नहीं किया जीन, क्या ये तुमने किया जी? ये तुम पेरेंट्स कहाँ हैं? तो अब मेरा क्या होगा? दे, जो तुम्हारे जैसे हैं, स्पेशल। स्पेशल। पर कभी कभी ये उन तुम्हें एक तोहफा मिला है जीन। लो, ओके? ये असल में अगर तुम चाहो तो इसे खूबसूरत तस्वीर बना दी, बस एक तोहफा। चाहती हो तो मैं मदद कर सकूं, और ना ही तुम दूसरे पेशेंट्स जैसे। ओके, पर क्यों? अगर तुम कुछ भी तोड़ोगी, मतलब कुछ भी, तो मैं जोड़ दूंगा। क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? नहीं, टूटी नहीं हो। इंजन गर्म हो रहे हैं। मैम, मुझे 7-6 पर कुछ दिख रहा है। के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। ये तो मेरी खूबी है। और मैं नहीं कर पा रहे, प्रक्षेप पथ अनियमित है शायद। जी, मैं ही बोल रहा हूँ। चार्ल्स, एस्ट्रोनॉट्स को बचाएंगे और घर वापस आएंगे, कोई सवाल? हाँ, क्या एक्सिट इतना ऊपर जा पाएगा? देखो असल में जरूर जाएगा, अभी मैं भूल जाती हूँ कि तुम दिमाग पढ़ सकते हो। तुम्हारा दिमाग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम फौरन वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं जानती हूँ। लगता है उसकी वजह से उनके स्पेसशिप की बिजली खत्म हो गई है। फिलहाल वो कंट्रोल दिशा में। मुझे खिड़की नजर नहीं आ रही। स्कॉट, उस थ्रस्टर को शूट। कर्ट, पीटर को वहां ले जाओ। मर गए यार। और छोड़कर नहीं जाएंगे। और जोखिम में नहीं डाल सकती मैं अपनी टीम को और उनकी। मैं शिप बचा सकती हूँ लेकिन यहाँ से नहीं, उसके मुझे अंदर जाना होगा। गिनती शुरू। अब 20 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8. सॉरी।
आज एक्समैन ने बहादुरी का एक बेहतरीन कारनामा भेजा है और दिल से शुक्रिया कहा है, और अपनी कहूँ तो उन्हें कभी नहीं होगी आज छुट्टी। काफी अच्छा लग रहा है। तुम जरा जीन को चेक कर। संदेश भेजना पड़ता, वो मर सकती थी। पर मरी तो नहीं, पर असली हीरो तो मैं ही था। वो लोग बच्चे नहीं रहे रेवन, और मुझे और किस लिए? प्लीज, कहीं ये तुम्हारा ईगो तो नहीं। वैसे सच कहूं तो अच्छा लगता है, यही तो चाहते थे हम। क्या चाहते थे तो कर रहे हैं हम, एक जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रहे हैं। बनाए रखने की मानना पड़ेगा, मुझे तो ये बिल्कुल याद नहीं दिया जाए। दिल की धड़कन थी क्या? ठीक नहीं है। अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने तुम्हें का मतलब क्या है? अब ये तो काफी बेहतर, सच में ठीक है तो थैंक। अब बाबा क्यों कहीं तुम वाकई ठीक हो ना? बदल गई हो। हाँ, खो ही देता, जानते हो। तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या हुआ? हंसी करो। अच्छा मैं बताता हूँ सर क्या हुआ। क्या बात? हाँ, नजर आ रहा है। वो तुम्हें ठीक लग रही है? याद है कुछ वक्त पे मैं सोच रही थी शायद वक्त आ गया है जहाँ चार्ल्स है। तुम दोनों के बीच जो भी अनबन है वो सुलझ सकती है। नहीं सुलझ। हमने दुनिया इसीलिए बदली ताकि हम उसमें रह सके, और अब हम हैं। ये उसकी है। तुम्हें क्या लगता है एक्समैन में? थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। जहाँ ऐसे स्पेशल बच्चे खुशी और तक, इसका मतलब क्या है? पर आप लोग जो हमें पहले बुलाते थे उससे बेहतर है। तुम्हें तुम्हें पता है बच्चे तुम्हें क्या बुला रहे हैं? बहुत अफसोस है दोस्तों, पर मुझे जाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कत्वर हो गया है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं उसके दिमाग में नहीं जा पा रहा। थोड़ा और। थैंक यू। हल्की सी हरकत उसे गलत दिशा में ले जा सकती है। जान, एक तरह की दीवारें उसे अपने सदमों। मुझे लगता है अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने उसे कुछ। बस करो। पेशावर। ये आवाज कैसी है? वो जाग रही है। मैं चाहता हूं तुम शांत रहो और बस मेरी आवाज पर ध्यान। जीन, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। तुम बस आवाजें सुन रही हो। जीन, तुम्हारे दिमाग को आराम चाहिए। ये पहले ही बहुत। चार्ल्स, जब हम बाहर थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम बेहोश हो गई। कुछ ठीक नहीं है। ये एक एक्सीडेंट था पता, पर तुम्हारे डैड तो मुझे अचानक कुछ हो जाता है और मैं उसे रोक नहीं पाती। जानते हो
उसके अंदर और बाहर आ रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। रे जी नहीं है, वो चली गई। कहाँ गई? डैड से मिलने जा रही है। पर ये कैसे हो सकता है? रोकना होगा, वहां जाना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। नौचा दौड़ना बुक, नौचा दौड़ना। ताकत समा चुकी है इस आदिम, मैं उसका इस्तेमाल करके उस ताकत को काबू कर लूं। कहां है वो? छुपाकर मैंने सोचा नहीं था मैं वापस आऊंगी। तुम्हारे आप फिक्र मत कीजिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं। मुझे कभी नहीं ढूंढा जीन। क्यों नहीं ढूंढा आपने मुझे? आप पढ़ सकती हूं, मैं इसे संभाल नहीं सकता। आपने मुझे गुड बाय भी नहीं कहा। जानना है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी जीन। आपने झूठ कहा कि मेरे डैड मर चुके हैं और आपने मेरा इस्तेमाल, मैं आप नहीं मानूंगी। स्कॉट, प्लीज वापस आ जाओ। मैंने तुमसे कहा था दूर हो रही है जीन, मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तुम नहीं समझ, मेरे अब की जान जाती है। मैं नहीं छोड़ सकती जीन, परिवार यही तो करता है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते। सब जंग लड़ रहे हैं, अपने आप मिलेगा। रेवन ने मरते, वो मरी नहीं है। जिन ने उसे मार डाला कर रही है, जीन से कंट्रोल नहीं हुआ और घर ला सकते। उसने रेवन को मार दिया, शायद तुम ये नहीं मानना चाहते ना ही उन्हें बताना चाहते। कभी कभी हम लोगों को वैर हो चुकी होती है। जानते हो, मैं रेवन की लड़की थी जो यहां, मैंने उससे बेहतर जिंदगी का वादा किया था। चार्ल्स,
तुम्हारी गलती है कि वो मर गए। मदद के लिए किया, मैं जो करता हूँ सबकी मदद के लिए। तो तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या गलत। कबूल करो कि तुम गलत थे। प्लीज, मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली। उम्मीद है कि अपनी गुण छोटी वाली थी और मैंने उसे रोक कर गलती की। देखिए, हम उन बच्चों को दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि असल में उन्हें तुमसे बचाने की। मुझे क्या हो रहा है? हाँ, मैं अकेला छोड़ दूंगा। आप बताएंगे आप लोग कौन हैं? सच है कि मैं सबके लिए माफ। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि जीन असल में कौन है। बेहतर होगा कि माफ कीजिए मिस्टर ग्रे, पर मुझे उसके बारे में सब कुछ होगा। सोचा था बातचीत कर मसले का हल निकाल लेंगे। सवाल का जवाब दो। बुरा मत मानना, उन्हें बिन बुलाए मेहमानों की आदत नहीं है। किसका खून है ये? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता। आ, काफी पुरानी बात है पर ये सच है। हाँ, उन्हें खोया, इसलिए मैंने लोगों को चोट पहुंचाई। लेकिन दर्द नहीं किया? इतना तेज कैसे रुकू जब मैं काबू खो देती हूं? तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम गुस्सा करो, दिखाओ मुझे अपना गुस्सा। चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या होता जब तुम गुस्सा होती हो? तुम्हारे लिए नहीं, एक एक्समैन के लिए आए हैं। बिना बताए और बिना बुलाए तुम्हारे घर आया तो तुम्हें कैसा लगेगा? शक नहीं चाहते तो सामने से हटो। हमारे हैं जिसने वो अधिकार खो दिया जब उसने पुलिस अफसरों पर हमला कर दिया था। हम तक खबरें नहीं पहुंचती हैं कैप्टन। ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं कर रही हूँ। सुना था तुम म्यूटेंट्स की रक्षा करते हो। मैं उनकी रक्षा ही कर रहा हूं। नागरिकों के लिए एक खतरा मानी गई है जीन ग्रे की घटनाओं के तुरंत बाद हो। मैं चार्ल्स एक्सेवियर बोल रहा हूं, मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी है। दिल किया है, उसे खारिज करने की जरूरत नहीं है। आप तो हमें एक मौका तो, अगर तुम कुछ भी तोड़ोगे मतलब। अंतर्राष्ट्रीय तलाश जारी है, अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं वो दूरी बनाए। तुम्हारे पास अच्छी महिलाओं के लिए सफल होना। देखो, हेलो, तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकती हो। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक डरपोक लड़की जो कुर्सी पर बैठे उस शख्स का हुक्म मानती है। जानती मैं कौन हूँ? बखूबी जानती हूँ। यह होगी तुम्हारी अंदरूनी ताकत, कहे सभी लव्स जो बहुत पहले भी। और तुम समझती हो? क्लास में नहीं है। क्या हैंग क्लास में नहीं है क्या?
बाकी के सब कहाँ है? मैं अकेला आया हूँ। तो यानी? हाँ मैं जानता हूँ। फिर यहाँ मुझे उसे ढूंढ कर क्या मिलेगा? मेरे लिए ना सही। यहाँ अगर तुम्हारी ताकत से कोई डरता है तब के खैर नशो। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ। नहीं थी और वो कोई एक्सीडेंट भी नहीं था। वो तुम्हारी, हमने उसे तुम्हें अंतरिक्ष में ले जाते देखा। ये दुनिया में जान डाली और इसी चिंगारी ने मेरी दुनिया भूमि करने की पूरी कोशिश की, पर जो भी उसके संपर्क में आया तुमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं। तुम वो कंट्रोल कर सकती हो जो तुम्हारे अंदर है, उस शब्द को जीवन में, यही तुम्हारी नियति है। मैंने कहा था वो तुम्हें कभी नहीं समझ सकता। मैं जानता हूं हमारे ख्यालात। सभी को जो उनके रास्ते में आएंगे, कर्ट, स्कॉट और मैं जाएंगे, जीन के लिए लड़ेंगे बिना तुम्हारे। स्टॉर्म, हमें तुम्हारी जरूरत है। से हट जाओ। जीन ने जो किया मुझे उसके लिए अफसोस है। कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। अगर हमने यहाँ तमाशा किया, हर वो चीज जो तुम्हें अजीज है। और कुछ? अगर लड़की तो मरेगी। बढ़ सकता हूं, पर तुम
तो मैंने तुम्हारा और अब हम तुम्हारा नया परिवार बन सकते हैं। नहीं मैं उसकी नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी उम्मीद बाकी है। इसने जो दिखाया वो तुम्हारा अतीत था। नहीं ब्रह्मांड ने जो तुम्हें तोहफा दिया है वो प्लीज आजाद कर दो मुझे। क्या हुआ? मैं इसका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। सांसें चल रही है। स्कॉट फॉरन इसे बाहर ले जाओ। तुम्हें करना कंट्रोल क्या कर रहा है बताओगे जरा? मैं नहीं जानता पर अच्छा आरा दो से उसे हासिल करने के लिए उसे तुम दोनों जानते हो। अल्फा वन तुम्हारी बोगी पर कई सारे दुश्मन नजर आ रहे हैं। तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। दरवाजा बंद करो फौरन। बकवास बंद करो।
ज्यादा सुकून है कि तुम्हारी हिफाजत करूं, तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता था। अपने परिवार की रक्षा, मैं जानती हूं मैं कौन हूं। मैं अब इस दुनिया से परे हूं। कैसा लग रहा है? तुम यहां क्या कर रहे हो एरिक? आज नहीं, शुक्रिया। नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए यही करना चाहूंगा। मैं वक्त की खातिर तुम पे रहम करूंगा। तो अब मेरा क्या होगा? दे, जो तुम्हारे जैसे हैं, स्पेशल। स्पेशल। पर कभी कभी ये उन तुम्हें एक तोहफा मिला है जीन। चलो, ओके। ये असल में अब अगर तुम चाहो तो इसे खूबसूरत तस्वीर बना दी। बस एक तोहफा चाहती हो तो मैं मदद कर सकता हूं।
और ना ही तुम दूसरे पेशेंट्स जैसे। ओके, पर क्यों? अगर तुम कुछ भी तोड़ोगी, मतलब कुछ भी, तो मैं जोड़ दूंगा। क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? नहीं, टूटी नहीं हो। मैम, मुझे 7-6 पर कुछ दिख रहा है। तो के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। ये तो मेरी खूबी है। और मैं नहीं कर पा रहे। प्रक्षेपण अनियमित है। शायद जी मैं ही बोल रहा हूं। चार्ल्स, सत्य की जान कैसे बचाएंगे? एस्ट्रोनॉट्स को बचाएंगे और घर वापस आएंगे। कोई सवाल? हां, क्या एग्जिट इतना ऊपर जा पाएगा? देखो असल में जरूर जाएगा। अभी मैं भूल जाती हूं कि तुम दिमाग पढ़ सकते हो। तुम्हारा दिमाग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो फौरन वापस आ जाएंगे। हाँ मैं जानती हूँ। एक्समैन से मदद मांगी है। लगता है उसकी वजह से उनके स्पेसशिप की बिजली खत्म हो गई है। फिलहाल वो कंट्रोल दिश मुझे खिड़की नजर नहीं आ रही। स्कॉट, उस थ्रस्टर को शूट। कर्ट, पीटर को वहां ले जाओ। मर गए यार। और छोड़कर नहीं जाएंगे। और जोखिम में नहीं डाल सकती मैं अपनी टीम को। और उनकी मैं शिप बचा सकती हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं। उसके लिए मुझे अंदर जाना होगा। गिनती शुरू। अब 20 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8. सॉरी। एक्समैन ने बहादुरी का एक बेहतरीन कारनामा भेजा है और दिल से शुक्रिया कहा है। और अपनी कहूं तो मैंने कभी आई नहीं होगी आज छुट्टी। काफी अच्छा लग रहा है। थैंक। तुम जरा जीन को चेक कर। संदेश भेजना पड़ता, वो मर सकती थी। पर मरी तो नहीं ना। अरे असली असली हीरो तो मैं ही था। वो लोग बच्चे नहीं रहे रेवन। और मुझे और किस लिए? प्लीज कहीं ये तुम्हारा ईगो तो नहीं। वैसे सच कहूँ तो अच्छा लगता है। यही तो चाहते थे हम। क्या चाहते थे? तो कर रहे हैं हम। एक जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रहे हैं। बनाए रखने मानना पड़ेगा। मुझे तो ये बिल्कुल याद नहीं किया जाए। दिल की धड़कन ठीक। क्या ठीक नहीं है? अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने तुम्हें मतलब क्या है? अब ये तो
काफी बेहतर सच में। ठीक है तो थैंक। बाबा क्यों कहीं तुम वाकई ठीक हो ना? बदल गई हो। हाँ कोई देता जानते हो। क्या हुआ? हंसी करो। अच्छा मैं बताता हूँ सन्ना क्या हुआ। क्या बात? हाँ नजर आ रहा है। वो तुम्हें ठीक लग रही है? याद है कुछ वक्त पे मैं सोच रही थी शायद वक्त आ गया है जहाँ चार्ल्स है। तुम दोनों के बीच जो भी अनबन है वो सुलझ सकती है। नहीं सुलझ। हमने दुनिया इसीलिए बदली ताकि हम उसमें रह सके। और अब हम हैंक ये उसकी है। तुम्हें क्या लगता है एक्समैन में? थैंक यू मिस्टर कैसल। जहाँ ऐसे स्पेशल बच्चे खुशी और तरक्की इसका मतलब क्या है? पर आप लोग जो हमें पहले बुलाते थे उससे बेहतर है। तुम्हें तुम्हें पता है बच्चे तुम्हें क्या बुला रहे हैं? बहुत अफसोस है दोस्तों पर मुझे जाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कतवर हो गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं उसके दिमाग में नहीं जा पा रहा। किसी हरकत उसे गलत दिशा में ले जा सकती है। एक तरह की दीवारें उसे अपने सदमों से। मुझे लगता है अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने उसे कुछ बस करो। ये आवाज कैसी है? वो जाग रही है। मैं चाहता हूं तुम शांत रहो और बस मेरी आवाज पर ध्यान। जीन मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। तुम बस आवाजें सुन रही हो जी। तुम्हारे दिमाग को आराम चाहिए। और बढ़ा दो। नहीं ये पहले ही बहुत। जब बाहर थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुम बेहोश हो गई। कुछ ठीक नहीं है। ये एक एक्सीडेंट था पर तुम्हारे डैड तो मैंने प्लीज मुझे अचानक कुछ हो जाता है और मैं उसे रोक नहीं पाती। जानते हो उसके अंदर और बाहर आ रहा है। उसमें बदलाव हो रहा है। जी नहीं है वो चली गई। कहाँ गई? डैड से मिलने जा रही है। पर ये कैसे हो सकता है? रोकना होगा। वहां जाना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। नौचा डरना। ताकत समा चुकी है इस आदिम। मैं उसका इस्तेमाल करके उस ताकत को काबू कर लूं। कहां है वो? कहिए
पथारी से सीढ़ी बनाकर थोड़ा सा मैंने सोचा नहीं था मैं वापस आऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए। रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मुझे कभी नहीं ढूंढा। क्यों नहीं ढूंढा आपने मुझे? आप पढ़ सकती हूँ। मैं इसे संभाल नहीं सकता। आपने मुझे गुड बाय भी नहीं कहा। जानना है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता। मैंने खुद नहीं किया। आई एम सॉरी जीन। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप सर थी। आपने झूठ कहा कि मेरे डैड मर चुके हैं और आपने मेरा इस्तेमाल। मैं आप नहीं मानूंगी। स्कॉट प्लीज वापस आ जाओ। मैंने तुमसे कहा था दूर हो रही है जीन। मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तुम नहीं समझ। मेरे अपनों की जानती है। मैं नहीं छोड़ सकती जीन। परिवार यही तो करता है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना। हम सब जंग लड़ रहे हैं। अपने आप मिलेगा। रेवन ने मरते वो मरी नहीं है। जिन ने उसे मार डाला। रही है जीन से कंट्रोल नहीं हुआ। और घर ला सकते हैं। उसने रेवन को मार दिया। शायद तुम ये नहीं मानना चाहते ना ही उन्हें बताना चाहते। कभी कभी हम लोगों को वैर हो चुकी होती है। जानते हो मैं रेवन की लड़की थी। जो यहाँ मैंने उससे बेहतर जिंदगी का वादा किया था। तुम्हारी गलती है कि वो मर गए। की मदद के लिए किया। मैं जो करता हूँ सबकी मदद के लिए। तो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या गलत। कबूल करो कि तुम गलत थे। प्लीज मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली। उम्मीद है कि अपनी मैं छोटी वाली थी और मैंने उसे रोक कर गलती की। हम उन बच्चों को दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि असल में उन्हें तुमसे बचाने की। क्या हो रहा है? हमें अकेला छोड़ दो। आप बताएंगे आप लोग कौन हैं? बस आ जाएगी।
मेरे सबके लिए माफ। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि जीन असल में कौन है। बेहतर होगा कि माफ कीजिए मिस्टर ग्रे, पर मुझे उसके बारे में सब कुछ होगा। सोचा था बातचीत करके हम मसले हल निकाल लेंगे। सवाल का जवाब दो। बुरा मत मानना, उन्हें बिन बुलाए मेहमानों की आदत नहीं है। किसका खून है ये? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता। हाँ, काफी पुरानी बात है। पर ये सच है। हाँ, उन्हें खो दिया, इसलिए मैंने लोगों को चोट पहुंचाई। लेकिन दर्द नहीं किया इतना? जानते इसे कैसे रोकूं? जब मैं काबू खो देती हूं, तो मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम गुस्सा करो, दिखाओ मुझे अपना गुस्सा। चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या होता जब तुम गुस्सा होती है? तुम्हारे लिए नहीं, एक एक्समैन के लिए आए हैं। बिना बताए और बिना बुलाए तुम्हारे घर आया तो तुम्हें कैसा लगेगा? शक नहीं आते तो सामने से हटो। हम आए हैं जिसने वो अधिकार खो दिया जब उसने पुलिस अफसरों पर हमला कर दिया था। हम तक खबरें नहीं पहुंचती हैं कैप्टन। ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं कर रही हूँ। सुना था तुम म्यूटेंट्स की रक्षा करते हो। मैं उनकी रक्षा ही कर रहा हूं। नागरिकों के लिए एक खतरा मानी गई है। जीन ग्रे की घटनाओं के तुरंत बाद होने। मैं चार्ल्स एक्सेवियर बोल रहा हूं, मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी है। दिल किया है उसे खारिज करने की जरूरत नहीं है। आपको हमें एक मौका तो, अगर तुम कुछ भी तोड़ोगी मतलब। अंतर्राष्ट्रीय तलाश जारी है, अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो दूरी बनाए। तुम्हारे पास अच्छी महिलाओं के लिए सफल होना। देखो, हेलो, तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकती हो। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक डरपोक लड़की जो कुर्सी पर बैठे उस शख्स का हुक्म मानती है। चिंती मैं कौन हूँ बखूबी जानती हो। यह होगी तुम्हारी अंदरूनी ताकत, खाए गए सभी लव्स जो बहुत पहले में। और तुम समझती हो? क्लास में नहीं है। क्या हैंग क्लास में नहीं है क्या? बाकी के सब कहाँ है? मैं अकेला आया हूं। तो यानी? हाँ, मैं जानता हूं। फिर यहां मुझे उसे ढूंढ कर क्या मिलेगा? मेरे लिए ना सही। यहाँ अगर तुम्हारी ताकत से कोई डरता है तो खैर ना शो।
मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ। नहीं थी, और वो कोई एक्सीडेंट भी नहीं था, वो तुम्हारी, हमने उसे तुम्हें अंतरिक्ष में ले जाते देखा, ने दुनिया में जान डाली, और इसी चिंगारी ने मेरी दुनिया भूमि करने की पूरी कोशिश की, पर जो भी उसके संपर्क में आया, तुमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं। तुम वो कंट्रोल कर सकती हो जो तुम्हारे अंदर है, उस शब्द को जीवन में, यही तुम्हारी नियति है। मैंने कहा था वो तुम्हें कभी नहीं समझ सकता। मैं जानता हूं हमारे ख्यालात। सुन लेंगे। चल गया, उसे मार देंगे और उन सभी को जो उनके रास्ते में आएंगे। कर्ट, स्कॉट और मैं जाएंगे, जीन के लिए लड़ेंगे बिना तुम्हारे। स्टॉर्म, हमें तुम्हारी जरूरत है। जीन ने जो किया मुझे उसके लिए अफसोस है। कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। अगर हमने यहाँ तमाशा किया, हर वो चीज जो तुम्हें अजीज है, और कुछ अगर लड़की तो मरेगी। कर्ट, मुझे अंदर ले चलो। मारने आ रहे हैं, पर तुम ऐसा, ये वो नहीं है। कौन? याद करो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो, तुम जानती हो। तुम ये क्या कह रही हो? नया परिवार बन सकते हैं। नहीं, उसकी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी उम्मीद बाकी है। इसने जो दिखाया वो तुम्हारा अतीत था। ब्रह्मांड ने जो तुम्हें तोहफा दिया है, प्लीज आजाद कर दो मुझे।
मैं इसका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। सांसें चल रही है, स्कॉट फॉरन से बाहर ले जाओ, तुम्हें करना होगा। जानबूझकर उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, ये मैंने नहीं किया। और युको वहां ले जाने की तैयारी करो। आखिर उसे कंट्रोल क्या कर रहा है, बताओगे जरा? मैं नहीं जानता, पर अच्छा आना दो उसे, उसे हासिल करने के लिए उसे तुम दोनों जानते हो। हमारी बोगी पर कई सारे दुश्मन नजर आ रहे हैं, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। दरवाजा बंद करो फौरन। बकवास बंद करो। क्या क्या बोल रहे हो तुम? कर सकते हो, हम तुम्हें बचा सकते हैं।
मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। मैं अब इस दुनिया से परे हूँ। कैसा लग रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो एरिक? आज नहीं, शुक्रिया। मैं भी तुम्हारे लिए यही करना चाहूंगा। मैं वक्त दिखा दे। तुम पे रहम करूंगा। Thank you.
एक बेहद नेक इरादे का बोझ है। लोकी? नाम है लोकी। एस्गार्ड कोई झगड़ा नहीं है। एक चींटी का जूते से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। थोर का भाई, तुम लोगों से हमारा कोई खुशखबरी लेकर आए। दुनिया क्या सर, तुम्हारा इरादा हमें मसलने का है। हम आप लोगों के लिए खुद आजादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा झूठ है। एक बार आजाद होने की आजादी, मगर किससे? आजादी से। तो शायद इस बात को दिल में उतार लिया जाए। पर मुझे लगता है तुम्हारा मतलब कुछ और है। सर, डायरेक्टर फ्यूरी रुकावट डाल मिल जाएगी। हाँ, कहते तो हो तुम शांति। वो हमें गाड़ देना चाहते हैं। बिल्कुल मिस्र के राय। इस जगह में अभी धमाके वाला है और हम 100 फीट मलबे के नीचे। मिनट में ही धमाका होने वाला है, तो शुरू हो जाओ। ठीक कह रहे हैं, पोर्टल यानी प्रवेश द्वार बंद होने वाला है और 2 मिनट में। हमें ये गाड़ियां चाहिए। उन्होंने मुझे बताया नहीं। वो कौन है? Thank you.
تھا یہ شام کسی اور طریقے سے بھی دے. میں جانتی ہوں. تم کس کے لیے کام کرتی ہو؟ غیر میں جانتی ہوں تم کیسی شام چاہتے تھے. یقین کرو تمہارے لیے یہ بہتر ہے. ہمیں اپنا سامان بھجوانے کے لیے اس سے ہو کر جانا ہوگا, ہے نا؟ اسے کیا لگتا ہے؟ ایکسپورٹ بزنس کے انچارج ہیں. سالہ کو نہ ہوگا. میں نے سوچا جنرل سالہ کو. تمہاری یہ الٹی سیدھی باسی خبریں, تمہارا وہ تو سب کے لیے ایک پیادہ ہے, ورنہ وہ جاسوس بلیک ویڈو تمہارا پھانڈا پھوڑ دیتی ہے. تم ہی ہو نا. کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں؟ اور تم نکلی بھی تو کیا, بس ایک خوبصورت چہرہ کہہ دو. ٹیکس بھیجنے میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. درمن تو اسے کہہ دو شاید اسے کہہ دو اب وہ نہ آئے. مارنے تو نہیں آئی مسٹر مونف, کیونکہ اس سے کسی کون ہو تم؟
नताशा रोमनोफ, जेल की ओर से आई हूँ। शील्ड एजेंसी, इससे किसी का फायदा तो होने वाला नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं पैनर, मैं शील्ड की बस दूरी बनाकर रखी थी। मैंने तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी भनक तक नहीं, मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हें कोई आई कब करते हैं, हम चाहते तुम हमारे साथ आओ, भनक तक नहीं लगने थी। क्यों? निक फ्योरी तुम पर भरोसा करती, और अगर वो, और अगर मैं ना कहूँ तो? तो मैं तुम्हें मना लूंगी। वारदात के 2 साल बीत चुके हैं, मुझे नहीं लगता तुम इस सिलसिले को तोड़ना चाहोगे। राक्षस ना करते तो? बिना किसी वारदात के डॉक्टर, हमारी दुनिया पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। वैसे जो मैं चाहूँ वो मुझे हर बार नहीं मिलता। ये डिस्ट्रैक्ट क्यूब है। खैर, उससे तो मैं दूर ही रहना चाहूंगा। तो फ्यूरी मुझसे क्या चाहते हैं? इसकी ऊर्जा में पूरे ग्रह का विनाश करने की शक्ति है। इसमें से गामा किरणें निकलती हैं, पर इतनी हल्की कि हम उसे ढूंढ नहीं सकते। इसे निकल जाओ। मैं चाहता हूं तुम इसे ढूंढो। ये चोरी हो गया है, अगर होता तो मैं उसके पास जाती। तो फ्यूरी राग? और कोई नहीं है जो गामा रेडिएशन को तुम्हारे जितना जानता है। इस मिशन के बारे में फ्यूरी से बात करो। क्यों, मुझे भी राक्षस के पीछे नहीं है। इस बारे में मुझे नहीं बताया। क्या वो तुम्हें सब कुछ बता? I'm sorry, मुझे ऐसा नहीं, पिंजरे में डालना चाहता है। तुम्हें कोई पिंजरे में नहीं। झूठ मत बोलो। क्या करती हो? तो क्यों ना हम थोड़ा धीरज रहे। मैं बस देखना चाहता था तुम क्या करते। राक्षस गुस्से में आकर मार धाड़ न करे, ठीक है? धीरज बरते जहां तुम इसे इस्तेमाल न करो, और वो नताशा, सिर्फ तुम और मैं। हथियार नीचे रख। आप ऐसी ताकतों से लड़ रहे हैं जिनको आप काबू में नहीं कर सकते। क्या आपने कभी कोई यह सरासर गलत है डायरेक्टर, हर चीज पूरी तरह आपके काबू में है। आप कह रहे हैं कि यह असगार्ड हमारे कोई जंग लड़ी है जनाब, कोई खतरनाक जंग? क्या आपको लगा था कि हर चीज? वो अकेला नहीं लड़ सकता, एक दूसरा भी है, उसका भाई के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। जी नहीं, एसगार्ड नहीं, लोकी। हम उसके भरोसे यूं बैठे नहीं रह सकते, हमें ही कुछ करना होगा। इसीलिए आपको फेस नहीं, पर जहां तक हम जानते हैं उसका भाई थॉर दुश्मन नहीं है, उसकी दुनिया अलग है। हम यार नहीं है, लेकिन हमारा दुश्मन तैयार है। हम एक रिस्पॉन्स टीम तैयार कर पर ध्यान देना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे ही हालात का सामना कर। फेस 2 अभी तक तैयार के बारे में हमने बोले, आप दुनिया का सबसे खुफिया नेटवर्क चला रहे हैं, कर रहे हैं एवेंजर्स, वो प्लान तो पहले ही खत्म कर दिया गया था। लेकिन ये एवेंजर्स को किसी के हाथों सौंप नहीं रहा, हमें जरूरत है एक रिस्पॉन्स टीम की। और मानव जाति की किस्मत मुट्ठी भर सरफिरों के हाथों सौंप रहे हैं। मैं किसी शादी खाने पर वो हमारी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। आपको हो सकता है ये थोड़े अलग हो, अनुशासनहीन हो, लेकिन मुझे विश्वास है सही दिशा सिपाहियों से जीती जाती। आपको यकीन है? जंग जज्बातों से नहीं जीती जाती डायरेक्टर। आप किसी मिशन पे आए सर? ठीक समझे, जादू खुफिया हथियार प्रोग्राम।
हॉवर्ड स्टार्क जब तुम्हें ढूंढ रहे थे तब जेसरेक्ट हमें बेशुमार कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा दिलवा दे, तब उन्होंने इसे समंदर से निकाला था। उन्होंने वही सोचा था जो अब हम सोच रहे थे। ये किसने चुना है? उसका नाम है। ये वो चीज है जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है। अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो हमें तुम्हें बहुत कुछ बताना पड़ेगा। उसका नाम लोकी है। वो यहाँ का नहीं है। ये अजीब हो गई है। अब मुझे किसी भी चीज से हैरानी नहीं होती। शर्तियत, तुम दुनिया को जितना अजीब समझते थे ये उससे भी जानकारी देने के लिए तुम्हारे घर पर एक पैकेट रखा है। शर्तियत, कैसा होंगे तुम गलत हो। सारी जाना होनी चाहिए। उसे समंदर में छोड़ देना चाहिए था। टेसरेट के बारे में ऐसी कोई भी बात है जो हमें पता हो? Thank you.
नहीं करना होता। मतलब जब तुम काम खत्म नहीं कर जाना, तुम्हें काम करना है बहुत सारा काम। और अगर नहीं करना होता कर लेते तब। ये हुई ना बात, जल्दी आना। मुझे एयरपोर्ट जाना है, तुम किस तरफ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। फैंटास्टिक। होम बाय। शहर छोड़कर चली गई। क्या? अब तुम्हारी वो पियानो वाली कैसी है? तुम्हारी दोस्ती है? के डॉक्टर बैनर उसी केमिकल का। हम हेडक्वार्टर से 40 मिनट की दूरी पर हैं। तुम दुनिया के सबसे पहले सुपर हीरो थे। बैनर ने सोचा कि गामा रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे थे जो उन्होंने मुझ पर आजमाया था। बहुत लोग इस कोशिश में थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना? इतना नहीं, वैसे बैनर डिसीजन में ही स्किन के केमिकल के ओरिजिनल फॉर्मूले का हल है। काफी स्मार्ट बंदा है, किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं अगर वो पहाड़ नहीं बना हो। औपचारिक तौर पर वैसे मैं आपसे मिल चुका हूँ, मतलब जब आप सो रहे थे तब। सच कहूँ तो आपसे मिलना बड़े फख्र की बात है। मैं वहाँ मौजूद था जब आप बर्फ पर गए, तब मैंने आपको देखा था। मेरा मतलब आस पर है। उम्मीद है कि मैं इस काम के लायक हूँ। बहुत ज़रूर खुश पड़े थे और सचमुच ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आज आप इस जहाज से बदलाव किए हैं। इसमें मेरा भी थोड़ा बहुत हाथ है। यूनिफॉर्म है बेशक, हमने आपकी यूनिफॉर्म में कुछ ओल्ड फैशन नहीं लगेगा? जो कुछ भी हो रहा है, यूनिफॉर्म अमरीकी फ्लैग का डिज़ाइन, कुछ आम जनता को शायद ओल्ड फैशन की ही जरूरत पड़ेगी। और जो चीजें सामने आने वाली हैं आप जनता, तुम्हारे बर्फ में जमा होने की यहाँ काफी चर्चा। कंट्रोल रूम में जाओ, वो छानबीन शुरू कर रहे हैं।
वहीं मिलते हैं। उसने कैप्टन अमेरिका वाले कार्ड्स पर तुम्हारे ऑटोग्राफ नहीं लिए? चर्चा हो रही थी, मुझे लगा कोल्सन तो बेहोश हो जाएगा। डॉक्टर बैनर, मेरे नाम के कार्ड्स? हाँ, कोल्सन तब बचपन से उनका दीवाना था। सुना है कि आप टेसराक्ट क्यूब ढूंढ सकते हो? मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सुना। ओह हेलो स्टीव, उन्होंने बताया था कि तुम आने वाले। सुना है कि तुम्हें ये सब बड़ा अजीब लग रहा होगा। नहीं, ये मुझे सिर्फ इसी जानकारी से मतलब है। अंदर जाना पड़े, थोड़ी देर में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये काफी जाना पहचाना लग रहा है। एक्सक्यूज मी, शायद एक मिनट में आपको अंदर। डिब्बे में पड़ा रहो। अच्छा, तो वो चाहते हैं कि मैं पानी में डूबे हुए। अगर वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, आप जितनी लैब्स को जानते हैं फोन कर दीजिए। स्पेक्ट्रोमीटर्स छत पर लगवा दीजिए और उन्हें गामा किरणें पकड़ना इलाका तय करना होगा। आपको कितने स्पेक्ट्रोमीटर्स मिल सकते हैं? आपको कितने चाहिए होगा पता चल पाएगा, और बाकी जगह नजरअंदाज कर देंगे। मुझे कहाँ बैठ कर काम करने के लिए सेट कर दीजिए, जिसके जरिए मैं पूरे इलाके की छानबीन कर सकता हूँ, जिसमें सिर्फ हमारे काम की जगहों का पता। तुम्हें वहाँ मजा आएगा डॉक्टर, तुम्हारे काम की हर चीज है। करना होगा। एजेंट रोमानोव, डॉक्टर बैनर को इनके लैबोरेटरी दिखाइए प्लीज। इतने सारे लोग तुम्हें कहाँ मिले? शील्ड को दुश्मनों की कमी नहीं है, तो इसे वहां रख दो। ये उल्का पिंडों में पाया जाता है, इससे एंटी प्रोटोन्स बनते हैं, ये बड़ी मुश्किल से बनता है। डॉक्टर, आपको यही सामान चाहिए था ना? हाँ, इरिडियम। कैसे है? टेसरेट से मैंने कितना कुछ सीखा है, इसे मिलता है। खासकर जब शील्ड जानता हो कि आपको इसकी जरूरत है। मुझे नहीं पता था। इसने तुम्हें क्या दिखाया जॉन पार्टन? मेरा अगला टारगेट। ये ज्ञान से भी बढ़कर है, ये सत्य है। जानता हूं, उनका ध्यान बटाने के लिए। हाँ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? आग की जरूरत है। ये बड़े नायाब कार्ड, मेरा मतलब ज्यादा तकलीफ ना हो तो। नहीं नहीं ठीक है, बेजोड़ है। किनारों से कुछ मकान से सारे इकट्ठा करने में कई साल लग गए। ये शायद 79%। जगह कौन सी है? स्टुटगार्ट जगह है, पर एक जगह मिली है। 67% मेल खाती है। नहीं है शायद। कैप्टन शुरू हो जाओ।
स्टुटगार्ट जर्मनी में 28 स्कोरिंग स्ट्रा से वो खुलेआम घूम रहा है। क्या यही तुम्हारी असलियत नहीं? आसान है ना? क्या यही तुम्हें गुलामी की आरजू है? आजादी यही मानवता का अनकहा सच है। पहचान और सत्ता ढूंढने में आजादी की उजली किरणें तुम्हारे जीवन की खुशियां धुंधली कर देती हैं। गुलामी के लिए आखिर में तुम लोग अंधे हो जाते हो। तुम बने ही हो। घुटने ही टेकोगे। हमारे जैसे कोई और है ही नहीं। तुम जैसों के आगे नहीं। अपने बुजुर्ग की तरफ देखो। तुम्हारे जैसे पाखंडी अक्सर होते हैं। इन्हें एक मिसाल बनने दो। आया जो पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। हम दोनों में बहस छिड़ गई थी। मुझे याद है जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा था एक शख्स सामने आया जो किसी और वक्त का। वक्त अब तुम्हारा खत्म हो गया। एक सिपाही। लड़ने की कोशिश मत करो। Yeah, I don't know.
कैसे हार मान ली? पहले कभी इतना आसान नहीं था क्या? जा कसरत करते हैं, तुम इतने साल सबसे दूर आए चुस्त लगते हो। जिम में जाते हो क्या? फ्यूरी ने बताया नहीं था कि वो तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ बहुत सी बातें जो तुम्हें बताता है फ्यूरी, कितने दिन बर्फ में जमे जो रहे। बिजली से डर गए? इस बिजली का कड़कना हम सब के लिए अब शुरू है। Thank you.
उसने दो दिनों में रखता है। अच्छा सुनो, जाओ जाओ, मेरा प्रेत कर उसे मिलना। अहम मोहब्बत जिंदा भाव की जरूरत है। इरीडियम
इसका मतलब प्रवेश द्वार यानी पोर्टल अपने आप पर नहीं गिरेगा, हो सकता है जितनी देर तक लोग ही चाहता है। चलो मस्तूल उठा दो। इसका मतलब ये भी है कि प्रवेश द्वार उतनी देर तक और उतना चौड़ा खुल, उसे लगा हमें पता नहीं चलेगा और हमें चल गया। उठा दो, बाल खोल दो, खोलो। वो आदमी उधर वीडियो गेम खेल रहा है, मोड़कर थक जाता होगा। वही तो बंद है। फ्यूरी को बाई तरफ का कंप्यूटर कैसे दिखता है? एक खास चीज है जिसकी जरूरत उसे अभी भी है। बाकी का सारा सामान एजेंट बार्टन के हाथ बड़े आराम से ले सकता है, बस एक क्यूब को चला सके। आप कब से टेसरेक्ट क्यूब चलाने के एक्सपर्ट बन गए? बहुत सारी ऊर्जा जिसके जरिए टेसरेक्ट क्यूब के थ्योरी पेपर्स क्या सिर्फ मैंने ये सब पढ़ा है? और लोकी को ऊर्जा का कोई खास जरिया चाहिए? कल रात से वो पैकेट जो गोल्सन ने दिया सर्वे के नोट्स, टेसरेक्ट तभी परमाणु प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है अगर सर्वे पहले ही ये पता न लगा लिया हो कि कौन चाहिए। उसे टेसरेक्ट क्यूब को 12 करोड़ डिग्री तक गर्म करना होगा, रिएक्टर में भारी परमाणु संयोग हासिल कर सकता। कोई तो मेरी जितना अकलमंद निकला। क्वांटम टनलिंग के प्रभाव को कैसे स्टेबलाइज करें? अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो ग्रह के किसी भी रिएक्टर में। आप जिस तरह साइंस पर नए नए काम कर रहे हैं उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और जब कुछ ज्यादा ही बोलता है सबसे पहले लोगे की छड़ी की जांच इस्तेमाल करके मेरे दो काबिल वैज्ञानिकों को बताने का बंदर कैसे बना, पर ये टेसरेक्ट की ऊर्जा से चलता है और मैं जानना चाहता हूँ कि लोगे ने इसे पार्टनर डॉक्टर सेल्विक बंदर वो क्या होता है मैं बताऊं? तो शुरू करें डॉक्टर। इस तरफ सर। सर बिल्कुल मेल खा लीजिए, पर इस प्रक्रिया में हफ्तों लग जाएंगे। अगर हम उनके गामा रीडिंग सर्वे की टेसरेक्ट रिपोर्ट से 600 टेराफ्लॉप तक नाप सकते हैं। टूथब्रश के सिवा अपने साथ कोई सामान? उनके डेटा सिस्टम को बाईपास करके सीधा उनके कंप्यूटर तक पहुंच जाए तो उनकी रफ्तार 10 मिले सारी की सारी रिसर्च के लिए है। खेलने के लिए बहुत से खिलौने मिलेंगे। शुक्रिया, सामान नहीं लाया। तुम्हें कभी स्टार्क टावर आना चाहिए, ऊपर की 10 मना कर दिया था। खैर मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अटेंशन क्रिया पर पिछली बार जब मैं न्यूयॉर्क आया था तो वहाँ का एक इलाका ही मैंने तबाह। तुम पागल हो गया कुशा? तुमने अपने गुस्से को अच्छे से काबू किया इसका तकलीफ। तुम्हें कोई तकलीफ? इस जहाज के तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में डालना मजाक नहीं है। इसका राज क्या है? गाना शाना योगा शोगा दवाई शवाई तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है क्या? तुम्हें शायद यहाँ आता ही नहीं। डर कर नहीं मेरे भाई, खुल कर बुरा मत मानना डॉक्टर। कोई बात नहीं, अगर मैं छोटे मोटे ताने झेल नहीं पाता तो। फ्यूरी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? हमें क्या नहीं बताना? खुल कर जीना चाहिए और आपको इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। मिसेस डॉक्टर तुम्हें लगता है मैं नहीं दे रहा? फ्यूरी क्यों छुपा रहा है? वो जासूस है कैप्टन, वो एक सच्चा जासूस है। उसके जब तक मुझे सारी जानकारी ना मिल जाए मैं हल नहीं ढूंढ सकता। तुम्हें लगता है मुझे अपना काम खत्म करना है और इसके राज के भी राज होते हैं। ये बात तो इसको भी परेशान कर रही है ना? कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा का जरिया। टोनी ये मुझे लगता है तुम्हारे लिए था। अगर बात सुन लिया, लोकी ने फ्यूरी से टेसरेट के बारे में यही कहा था। मैंने सुना था स्टॉक टावर न्यूयॉर्क की वो बदसूरत लोकी को टावर की ऊर्जा के बारे में ना भी बताया होता फिर न्यूज में तो सुना ही होगा। उस यह इमारत तकरीबन एक साल तक अपने आप चल सकती है। यह तो सिर्फ एक नमूना सी बिल्डिंग। इस पावर मिलती है आर्क रिएक्टर के जरिए जो एक स्वचालित ऊर्जा का जरिया है। यही बताना चाहते हो फिर उसे शील्ड टेसरेक्ट प्रोजेक्ट में क्यों नहीं लाई? मेरा मतलब और साफ ऊर्जा बनाने में मेरा बहुत बड़ा नाम है। ये तुम्हें यही बताया होता प्रोग्राम शील्ड की सारी खुफिया फाइलें खोल दे तब मैं इसका पता लगा। मतलब सबसे पहले तो वो ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? एक बार मेरा घंटों में मैं शील का हर वो घिरौना राज जान जाऊंगा जो उन्होंने छुपाने की कोशिश की। खाओगे फिर भी तुम समझ नहीं पाए जान सबसे उसकी खोज में जब से मैं इस कंट्रोल रूम में आया हूँ। कुछ ही घंटों में मैं करेगी यही दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। लगता है लोकी हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है। समझ नहीं पाए कि वो तुम्हें क्यों नहीं चाहते। एक होशियार एजेंसी होशियार लोगों से तो हो जाएगा। हमें आदेश मिले हमें उनका पालन करना चाहिए। ये वो आदमी है जो जंग छेड़ना चाहता है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो चीज तुम्हारे लिए सब कुछ है ना। इस कमरे में कौन ऐसा है जो पहली बात झंडा पालन वालन करना मेरी फितरत नहीं है? और फितरत है तुम्हारी? तुम्हें इनमें कुछ गड़बड़ नजर नहीं आ रही ना? झंडा पहन के घूम रहा है और दूसरी बात नकाम का नकाम का। स्टीव
ये वो बंदा है जिसके बारे में मेरे डैड वो लोकी के बारे में गलत तो नहीं कह रहा, वो हम पर भारी डैड बात करते नहीं थकते थे, सोचता हूँ उसे बर्फ से निकालना ही नहीं चाहिए था। एकदम खुला जैसे डरावना सपना है टोनी, मैं कोई कवच नहीं पहनता, मैं तो एक जख्म लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उसे रोकता है, ये छोटा सा पता फटे हुए बम को लेकर पहने टुकड़े हर पल मेरे सीने में रेंग रहे, ये खतरनाक नेमत की तरह ये छोटा सा रोशनी का गोला अभी सिर्फ कवच का ही नहीं, मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा, पर तुम इसे काबू कर सकते हो क्योंकि मैंने सीख लिया। दोनों में फर्क यह है कि हल्क यानी मेरी दूसरी शख्सियत इतनी ज्यादा गामा किरणों से तुम बच कैसे गए? तो तुम कह रहे हो अच्छा ख्याल बचाई, पर किस लिए? शख्सियत ने मेरी जान बचा ली, ये अच्छा है। तुम्हें शायद ये अच्छा ना लगे पर शायद तुम्हें लगे, हम पता लगा लेंगे। जब लोकी ने डॉक्टर को अपने वश में कर लिया तब हमने जेन फॉस्टर को एक अच्छा पैसा, प्राइवेट प्लेन, शहर से एक कमाल की ऑब्जर्वेटरी में नॉर्वे भेज दिया, उसे कल अचानक वहां काम। लोकी का एरिक सेल्विक को लेना कोई इत्तेफाक मत, वो वहां महफूज है। शुक्रिया, एरिक अच्छा आदमी है, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। इत्तेफाक नहीं है, काम खत्म होने पर लोकी उसे मार डालेंगे। तुमने यहां सब कुछ बदल दिया, वो जैसे थे वैसे अच्छे थे, तुमने उसकी जिंदगी बदल दी। पर हम बिल्ड स्नाइप की तरह यहाँ लड़ने चले आते हैं। किसकी तरह? बिल्ड स्नाइप। एस्गार्ड पर हम अपने को ज्यादा उन्नत समझने का नाटक करते हैं, पर हम तुम्हारे यहाँ नहीं है। मेरे ख्याल से नहीं, वो बड़े घिनौने होते हैं स्नाइप, हमारे वहां बड़े बड़े सिंह वाले जानवर होते हैं। अपने रास्ते में आई हर चीज मसल देते हैं। पहली बार पृथ्वी पर आए थे तो लोकी ने यहां तक हमारा पीछा किया और कीमत तुम। जब हम पहली बार जवानी में हम शौक से जंग लड़ते थे, कीमत तुम्हारे लोगों को चुकानी पड़ी। और अब फिर क्या तुम लोकी से उगलवा सकते हो कि टेसरेक्ट कहां है? जंग अभी शुरू नहीं हुई है, वो बदला भी लेना चाहते हैं और वो भी हमसे, हमें पता नहीं। लोकी सिर्फ सत्ता ही नहीं चाहते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं। जब तक कि दर्द न हो उनका ये जुनून उनसे कोई नहीं छीन पाएगा। मैं जानना चाहता हूं तुम क्या करने को तैयार हो। लोकी एक बंदी, अब हमसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं जान एक बंदी है, फिर मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर अपने आप को इस जहाज में कैद करवाया? जानते थे कि मैं आऊंगी? हाँ हम जानते थे, बहुत कम लोग हैं जो चुपके से हम तक आ सकते हैं। होगा
अब तुम एक दोस्त बनकर दवा बनकर आओगी। जब फ्यूरी हर तरह का जुल्म हम पर आजमा चुका होगा। बाजी के साथ क्या किया? हमने तो सिर्फ उसके दिमाग की क्षमता बढ़ा दी और हम तुम्हारा साथ देंगे। तुमने एजेंट बाटन, अगर तुम दुनिया पर राज करने लगे और अगर तुम जीत गए। कहीं ये प्यार तो नहीं है एजेंट रोमानोव? प्यार करना बचकाना होता है, मैं तो उसकी एहसान मंद। तब उसके दिमाग का क्या होगा? कहीं बताओ हमें। एहसान मंद हूं। करने से पहले मैं शील्ड में काम करने से मेरे पास कुछ खास तरह के हुनर है, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने करती हूँ, फिर मैं शील्ड के बुरे लिस्ट में आ गई। परवाह नहीं थी कि मैंने किसके लिए या किस पर इस्तेमाल कर दिया। एजेंट बॉटन को मुझे मारने भेजा गया, तो मैं बाहर जाने तो नहीं लेकिन मैं जज्बाती नहीं होती क्योंकि मैं रूसी हूँ। तुम्हारी दुनिया खतरे में है और तुम एक आदमी के लिए सौदा कर रही हो। सियासतदान, उसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। मैं या फिर थी। और अब तुम क्या मिटा पाओगी? मेरे ऊपर जो दाग लगे हैं उन्हें मैं मिटाना चाहती हूँ। ट्रेकोफ की बेटी, क्या तुम इतने सारे दाग मिटा पाओगी? नहीं, हमको नहीं पता चला। आप कुछ करिए और थोड़ा देख लीजिए। बाटन ने हमें सब कुछ बता दिया है। साओ पाउलो, मतलब जिससे भेजा था हाँ, उससे सब कुछ बता दिया। और तुम्हें लगता है कि अपने ही जितने नेक आदमी को बचा लेने से सब कुछ बदल जाएगा? तुम्हारा दामन टपक रहा है, खून से लाल है। प्रार्थना जैसी पागल हो गई हो क्या तुम? ये तो बड़े ही ऊंचे किस्म के जज्बात है एक बच्चे की भर्ती हो। कातिलों के नाम पर झूठ बोलती हो और कत्ल कुछ ऐसा जो सारी दरिंदगी की भरपाई करती। पर अब तुम्हारे तुम अलग होने का ढोंग करती हो, कहती हो कि तुम्हारे कुछ उसूल हैं, कुछ है मिट्टी का। हम बाटन को नहीं छुएंगे, तुम्हारा हिस्सा है और वो कभी नहीं हार से हर उस तरीके से जिससे तुम डरती हो। और फिर वो बस उतनी देर तक कि हम तुम्हें उससे मरवा नहीं देते। धीरे धीरे बड़े प्यार से छोड़ देंगे। ये है हमारा सौदा। खाली इस लड़की के लिए जाएगा कि अम्मा की आंखें हार सके और जब वो चीखेगा हम उसे सर नहीं कि तुम राक्षस हो। ओह बैना, तो ये राक्षस तो तुम लाई हो। उनको इस्तेमाल करने की सोच रहा है। अगर वो लैब में है तो उसे वही रखना, थॉर को भी वही भेज दो। तो ये प्लान है क्या? कहा सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चलेंगे। आपको टेसरेट की तलाश करनी चाहिए। कर रहे हैं, इसके मॉडल का डिजाइन तय है। ये क्या है? फेज टू पता चल जाएगा। हाँ, फिर आपको अपना क्यू मिल जाएगा ना। दिक्कत ना झंझट। मेरे हिसाब से कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा था। रॉजर्स, देखो हमने टेसरेट से जुड़ी हर चीज इकट्ठी। फेज टू में शील्ड टेसरेट का इस्तेमाल करके हथियार बनाएगी। सॉरी, मैं गलत था डायरेक्टर। दुनिया जरा भी नहीं बदली। इकट्ठी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम। आप क्या झूठ कह रहे थे? मैं तो कोलकाता में था, इस माहौल से काफी दूर। लोग ही तुम्हें नचा रहा है। और तुम इसके बारे में जानते थे? देखो तुम इस माहौल से दूर ही रहो डॉक्टर। चला जाऊंगा क्योंकि तुम अचानक बौखला गई। मैं जानना चाहता हूँ कि शील्ड टेस्ट इतनी देर क्या कर रही थी। तुम यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं तुम पर आंखें मट। देखो मैं यहाँ से इसलिए नहीं चला। इस वजह से हमारी टेस्ट का इस्तेमाल करके विनाशकारी हथियार क्यों बना रही है? छोटे से शहर को तबाह कर दिया। तब एहसास हुआ कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं। पिछले साल पृथ्वी पर किसी और ग्रह से एक मेहमान आया था जिसके एक झगड़े ने एस्गार्ड तुम्हारे ग्रह से सिर्फ शांति चाहता है। पर अंतरिक्ष में सिर्फ तुम ही नहीं हो सके, बल्कि उनके मुकाबले हमारी फौजी ताकत भी पिछड़ी हुई है। अजनबियों से भर्ती जा रही जिनका कोई मुकाबला नहीं, जिन्हें काबू नहीं किया जा सकता। जैसे और खतरा भी सिर्फ तुम लोगों से नहीं है,
हमारी धरती है सहज की नजर उसके ऊपर पड़ी। ये सारी रियासतों का एक इशारा है कि पृथ्वी और भी बड़े पैमाने पर टेसरा को काबू किया। टेसरा एक्ट के साथ आप लोगों ने छेड़खानी की तो लोग और उनकी साथ जाने का कोई रास्ता नहीं हथियार, क्योंकि वो हर तरफ मौत की शांति फैलाते हैं। शायद पैमाने पर जंग के लिए तैयार है। बड़े पैमाने पर हम मजबूर थे इस धरती को बचाना, तो स्टार्क एक एक मिनट, अब मेरी बात कहां से आ गई? सब कुछ तुम्हारे बारे में तो है, भूल गए। तुमने भी तो इतनी दौलत इसी तरह से इकट्ठा की है स्टार्क। अगर वो आज भी हथियार बनाना है पर अगर इस तरह आप लोग हमारे उस पर हमारे हीरो नहीं है। हमें लगा था इंसान और अकलमंद है। माफ करना, पर क्या हम तुम्हारे ग्रह में समझ में नहीं आता, हम यहाँ बेवकूफ हो। शील्ड हर एक तरह के खतरे पर नजर रखती है। कैप्टन अमेरिका आप लोगों की नजर में इस तरह काम करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट 66 ब्रावो, प्लीज अपने पक्के कोच पर आओ। किस तरह का सामान है? ओवर। बारूद और हथियार, ओवर। बताइए, आप मेरे कंप्यूटर पर हैं, मगर डे लॉग में नहीं। आपके जहाज में किस तरह का था? हम क्या है, एक टीम? नहीं नहीं, हम एक प्रयोग पदार्थ है। चलो आप लोग अमन की बात करते हैं, फिर भी जंग छेड़ना चाहते हैं, बस यही तो उनका तरीका। अब आपको लौट जाना चाहिए। कोई शख्स अपनी भड़ास क्यों नहीं निकाल सकता भाई? तुम अच्छी तरह जानते हो अराजकता फैलाता है, या यूं कहिए हम एक टाइम बॉम्ब है। डॉक्टर बैनर, अब आप कवच के अंदर एक घमंडी उसे उकसाओ मत। चलो फिर उसे, नहीं तो तुम्हें उकसा देता हूँ। हाँ, मैं कईयों को जानता हूँ जिनके पास ये सब नहीं है, पर तुम जैसा हो तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के लिए अपना नफा छोड़ दे, जो अपने सीने पर गोलियां खाकर मुझे सुप्रस पर भारी है। तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, मैंने देखा है। हर बात का जवाब है ना, दूसरों की जान बचाए। मेरा असूल है जान है तो जहान है। हीरो, तुम्हारी तरह तुम तो लैब में किया गया सिर्फ एक एक्स। तुमसे खतरा बेशक ना हो, पर ये हीरो बनने का नाटक बंद करो। अब हीरो एक्सपेरिमेंट हो, एक ऐसा अजूबा जिसे बनाया गया एक बोतल में। जरूरत पड़ जाए पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, और कोशिश मैंने भी की थी। उनके कौन सा कमरा जिसे लोकी की कैद बना दी? वो कमरा सिर्फ मुझे मारने कहीं कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर बंदूक दागी, लेकिन उस दोस्त मैं दुखी था। चलती रही, मैं लोगों की मदद करके बहुत खुश था जब तक तुम दूसरी शख्सियत ने मुझे रोक लिया और जिंदगी चलती। तुम मेरा राज जानना चाहती हो एजेंट रोमनोव? तुम जानना चाहती हो मैं शांत कैसे रहता हूँ? तुम मुझे वापस इस पागलपन में घसीट नहीं लाई और नतीजा सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी। तो शाही शाही नीचे रखी। डॉक्टर बैना, मिल गया। देख पाएंगे, तुमने टेसरैक्ट ढूंढ लिया? मैं वहां सबसे पहले पहुंच सकता हूँ। टेसरैक्ट एस्गार्ड का है, कोई इंसान? सॉरी दोस्तों, अब आप लोग मेरा दूसरा चेहरा नहीं देखने से मुझे शर्म नहीं आती। कवच पहन लो, इंसान उसे काबू नहीं कर सकता। तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम मुझे कवच तो पहनो, फिर देखते हैं। मुंडों पे हाथ रख, ये सब क्या है? जब तक हवा में है वहां जाकर मरम्मत करना बहुत नहीं कर रहा है। क्या वो उसे ठीक कर सकते हैं? जल्दी बताओ मुझे, नहीं तो बाहर जाकर उस इंजन को ठीक करना होगा। स्टॉक, तुम सुन रहे हो ना? बाहर जा रहा हूं, बहुत मुश्किल है। एक और इंजन गया तो हम भी सब छोड़ देंगे। किसी को तो रामोनो Thank you.
आपके थाने में जाना है। ठीक है, सब साथ में जाओ। उसी दिन को बंद रखो। जल्दी कर, तुम्हें वहीं मिलता हूं। Thank you.
ब्रिगेड की पोशाक में है, सब अपनी जगह पर पहुंच जाए। Yeah.
जो हम कभी नहीं लड़ पाएंगे।
इस्तेमाल किया जा सकता है, इस उम्मीद में कि जब हमें जरूरत हो। फिल कोल्सन ने अपनी जान की कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि उसे एवेंजर्स के हीरोज पर। I'm sorry, नहीं, पर थी एक लड़की, उसकी जिंदगी में।
क्या वो इसलिए कि हम पे यकीन रखता था? इसलिए बड़ा अच्छा आदमी लगता था। मैं तो चाहिए था सामने कौन है, उसे इंतजार करना चाहिए था उसे। कभी कभी इसलिए कि लोकी से अकेले लड़ पड़ा, वो अपने कर्तव्य निभा रहा था। देखना तो चाहिए, एक सिपाही खोया है, हम लोग सिपाही नहीं है। मैं कभी और कोई चारा नहीं होता तुम सर। ये बात मुझसे मत कहना, क्या पहली बार तूने नहीं नाच रहा? ना ही मैं, उसके हाथों पर भी वही खून लगा है जो लोकी। मैं फ्यूरी की तू लोकी को ऊर्जा का जरिया चाहिए। अगर हम एक लिस्ट तैयार उससे दुश्मनी ली है जो लोकी की, इस वक्त हमें पुरानी बातें भूलकर लोकी को रोकना होगा। हम सबसे ज्यादा दुश्मनी कर रहा है, क्यों? हमें फूट डालने की डिवाइड एंड रूल बात वो नहीं है। वही बात है, लोकी का वही प्लान है। हम सब वो हमें मात देना चाहता है और चाहता है कि लोग उसे ऐसा करते हुए देखें, टंका बजाना चाहता है। वो जानता है हमसे जीतने के लिए उसे मैदान में उतारना होगा, यही तो चाहता है। जो जो तुमने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, असली असली फिल्म तो ये है। और लोकी बहुत बड़ा स्टार अभी जीत का। हाँ, जर्मनी में मैंने उसका ट्रेलर देखा था। हाँ जी, हमारा चाहिए जिसमें उसका नाम चिपका हुआ। बड़ा स्टार समझता अपने आपको, उसे फूलों के हार चाहिए, लोगों का जुलूस चाहिए, बहुत ऊंची हमारा। नाक में दम कर रखा है, उन्हें रख पाता है कोई।
मुझे एक उस्ताद हथियार है और तुम बच्चूला, और वो जरूर आएंगे। तब तो तुम्हारी बच गई। यही तो इरादा था, नापाक इरादा है। जब वो आएंगे वो जानवर खो गया। तुम बात को समझ नहीं रहे हो, यहाँ कोई तक नहीं है और ना ही कोई सियासत है। तो हमारे पास फौज है, हमारे पास हल्क है। ओ, हमें लगा कि हो सकता है हम पर भारी भी पड़े, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। तो शहंशाह बनने का ख्वाब मत देखो, हो सकता है तुम्हारी फौजी आए। उनके पास हमारे लिए वक्त कहां से होगा, क्योंकि अगर हम पृथ्वी को बचा नहीं पाए तो उसका बदला जरूर लेंगे। जब वो तुमसे लड़ने में मसरूफ रहेंगे। ड्रामेबाजी में ऐसा ही होता है, कभी कभी पर्दा नहीं खुलता है और दर्शक सोचे जा रहे हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहे। यार राजो, तुम सावधान के भाग। जारविस तैयार, हमारे आगे झुकोगे। जारविस जनरल, yeah.
टैनर मुझे खबर देते रहना। देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ, लेकिन यकीन नहीं हो रहा। खुद देखिए क्या लगता है। जार्विस उसका कमजोर हिस्सा बताओ। बहुत देर हो गई है। आपके राज करने से यह बर्बादी बंद हो सकती है। दोनों मिलकर इसे अब रोकना मुश्किल है। नहीं रोक सकते हैं। तुम्हारे जज्बात मैं गुस्से में ही रहता हूं।
यही तो मेरा राज है। Thank you.
सर एक जहाज उड़ने को तैयार है।
सीधे शहर की तरफ आ रही है। कितनी देर में? स्टार्क, सुन रहे हो? एक मिनट। जार्विस, जितनी पावर है मेरे कवच में डाल दो। बस मिसाइल सारे शहर को बर्बाद कर देंगे। Thank you.
शाही कोरमा मिला। अच्छा काम किया दोस्तों, चलो काम पे नहीं आते कल। हाँ कोरमा मिलता है, खाया तो नहीं पर सुना है स्वाद होता है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। आपको पूरा यकीन है?